जैसा कि दोस्तों आपने देखा है, जो मौलाना हैं तौकीर रज़ा, इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये इनको जेल में ले गए हैं और बहुत सारी पब्लिक इनके साथ हो गई है, इनके साथ जा रही है। और इनकी गिरफ्तारी पे मतलब कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि गिरफ्तारी गलत हुई है, और कुछ कह रहे हैं कि अभी लोगों की अपनी अपनी सोच है। और देखते हैं इस वीडियो में आगे क्या होने वाला है और ऐसा क्या होगा कि आगे उनकी क्या कार्रवाई होगी, या फिर उनको बेल मिलेगी या फिर उनकी कैदी होगी। मैं भी इनकी लिस्ट में हूँ और ये समझ लेना, एक के बाद एक सबके साथ यही जुल्म हो रहा है। अगर हम अपने इतिहास को पेश करेंगे तो इंशाल्लाह इनकी हिम्मत नहीं हो सकती कि हमारी मेरी इज्जत आप लोगों के हाथ में है, मेरी इज्जत के हाथ नहीं आना चाहिए। पूरे सब्र सुकून के साथ और शरीफ मुसलमानों का, अच्छे मुसलमानों की तरह आप लोग वापस जाए। खौफजदा करके मैं हुकूमत को सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि मैंने जो बात कही थी कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन हुकूमत की सरपरस्ती में जो बेईमानी कर रहे हैं, हिंदुस्तान की अदलिया हुकूमत के दबाव में जो बेईमानी कर रही है, मैं देख रहा हूं कि हुकूमत भी और अदालतें भी आज कानून के मुताबिक काम नहीं कर रही है, बल्कि अपनी आस्था के मुताबिक काम कर रही है और अपनी आस्था जबरदस्ती मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये जुल्म ज्यादती इसी तरह जारी रहा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठनों को कंट्रोल नहीं किया गया तो मुल्क के हालात खराब होने का अंदेशा है, जो हम किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहते। आज अगर हमारे मुल्क में अमन है, शांति है, उसकी वजह सिर्फ यह है कि हमने आज तक उन गुंडों, उन बदमाशों, उन आतंकवादियों का जवाब नहीं दिया है। जिस दिन हमारा नौजवान जवाब देने पर मजबूर हो जाएगा, उस दिन मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे। इसीलिए मैंने, जैसे आपने देखा होगा कि गीजर में सेफ्टी वॉल्व लगा होता है, लावा अंदर अंदर बहुत पनप रहा है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। मैंने ये छोटा सा काम करके लोगों के जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश की है और सेफ्टी वॉल्व का काम किया है। मैंने उस प्रेशर को दूसरे रास्ते से निकाला है ताकि वो जो हमारे शहर का अमन खराब ना हो। हुकूमत को हमारा इसमें साथ देना चाहिए। अगर हुकूमत दंगा और फसाद चाहती है तो हम तैयार हैं, न पुलिस की लाठी से डरते हैं न गोली से डरते हैं, लेकिन हम अपने शहर के अमन से और अपने देश के अमन को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए हमने जवाब दे दिया है। मेरी मांग यह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को फौरन रिहा किया जाए और ये जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, असल में मैं बुलडोजर की कार्रवाई की मुखालफत इसलिए कर रहा हूं कि ये कोर्ट का काम पुलिस ने अपने हाथ में लिया हुआ है। जब अदालतें मौजूद है, किसी ने अपराध किया है उसको गिरफ्तार कीजिए, अदालत के सामने पेश कीजिए, अदालत उसे सजा दे या जो भी करे, लेकिन पुलिस जो बुलडोजर चला रही है, हुकूमत जो बुलडोजर चला रही है, इस बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को सख्त संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था सरकार के दबाव में काम कर रही है और यह हमारे देश के लिए बेहद घातक सिद्ध होगा। अगर देश में अमन चाहिए और भाईचारा चाहिए, जो हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और हमारे सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी है, तमाम अदलिया की जिम्मेदारी है, अगर ये अमन व अमान बनाए रखना है तो बुलडोजर की कार्रवाई बंद होनी चाहिए और पुलिस को जो ज्यादा इख्तियारात दिए हुए हैं उन इख्तियारात में कटौती की जानी चाहिए। जो बेईमानी की गई है उन बेईमानियों को वापस किया जाना चाहिए। अब किसी किस्म का बुलडोजर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जितने अपने नौजवानों को कंट्रोल कर सकते थे कर चुके हैं। अब हल्द्वानी में जो
रिएक्शन दिया गया है उसके नतीजे आपने देख लिए। अगर जबरदस्ती वहां बुलडोजर ना चलाए धामी उसका जिम्मेदार रहे, धामी के खिलाफ उस FIR होनी चाहिए, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जिन लोगों की वहां संपत्ति नष्ट हुई है उन लोगों की संपत्ति धामी की जायदाद जब्त करके उससे उसकी भरपाई की जानी चाहिए। पुलिस सीधे ही गोली मारेगी, पुलिस पैर पे गोली नहीं मारेगी। पैर पे गोली मारी जाती है बचाने के लिए, सीने पे गोली मारी जाती है, माथे पे गोली मारी जाती है मार डालने के लिए। और पुलिस, हुकूमत, हिंदूवादी संगठन, अदलिया, ये सारे के सारे आज हिंदुत्व की लाइन पर काम कर रहे हैं और मुसलमानों को हिंदुस्तान से खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की रग रग में मुसलमान बसता है, इसको हटाया नहीं जा सकता। और रगों से अगर खून खींच लिया तो बचेगा क्या, जिंदा कैसे रहोगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। नमस्ते दोस्तों।